देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चांद का दीदार होते ही बाजारों में उमड़ी भीड़। मंगलवार को मनाया जाएगा ईद उल फित्र। भागलपुर में ईद को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। शॉपिंग के लिए बाजार गई चार युवतियों के साथ मनचलों ने की छेड़खानी। मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। छात्रावास शुल्क को लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय में जमकर किया हंगामा। प्रशासनिक भवन का कार्य हुआ बाधित। और जयकरण गुप्ता बने डीवीए के नए अध्यक्ष। महासचिव पद की काउंटिंग पर हुए विवाद के बाद विपक्षी गुट के अधिवक्ताओं ने की री इलेक्शन की मांग। अब खबरें विस्तार से। देश भर में 3 मई को ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। गौरतलब है कि साल में 2 बार ईद मनाई जाती है, जिसे ईद उल फित्र और ईद उल अजहा कहा जाता है। 3 मई को ईद उल फित्र है, जिसे मीठी ईद भी कहते हैं। इस्लाम धर्म का ये त्यौहार भाईचारे का संदेश देता है। लोग मस्जिदों में नमाज के दौरान देश के लिए अमन चैन और तरक्की की दुआ मांगते हैं। बता दें कि रविवार को मुल्क के किसी भी हिस्से में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। वहीं सोमवार को ईद के चांद का दीदार होते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे ज़्यादा बच्चे उत्साहित दिखे। चांद निकलते ही रोजेदारों ने रब का शुक्रिया अदा किया, साथ ही मित्रों और रिश्तेदारों को ईद की मुबारकबाद दी। भागलपुर खान का शहबासिया और खान का ये पीर दमड़िया की ओर से चांद देखने का खसूसी एहतमाम किया गया था। जिले के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों से तय समय पर ईद की नमाज को लेकर ऐलान भी किया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि 2 साल बाद ईद की खुशियां सामूहिक रूप से मनाने का मौका मिला है। दरअसल ईद के दिन लोग आपस में गले मिलकर अपने गिले शिकवे को दूर करते हैं। इधर ईद में महज कुछ घंटे ही शेष बचे हैं, ऐसे में बाजार में खरीदारी करने लोगों की भीड़ उमड़ रही है। भागलपुर मुख्य बाजार समेत तातारपुर मार्केट ग्राहकों से गुलजार है। लोग यहां कपड़ा, टोपी, इत्र, घरेलू सामान, लच्छा और विभिन्न प्रकार की सवैया के जमकर खरीदारी कर रहे हैं। तातारपुर चौक से स्टेशन चौक और खलीफाबाद चौक से वैरायटी तक बाजार में रौनक देखते ही बन रही है। ईद को लेकर महिलाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लड़कियां फैशन के अनुकूल तैयार किए गए वस्त्र को अधिक पसंद कर रही है। बाजार में गुजराती सूट, अफगानिस्तान का प्लाजो और शरारा के अलावा पाकिस्तान का जॉर्जेट सूट और नेट दुपट्टे की खूब बिक्री हो रही है। ईद को लेकर भागलपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की गश्ती बाजारों में बढ़ा दी गई है। रविवार को सिटी एसपी सोनू प्रभात की अगुवाई में पुलिस कर्मियों ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया। सिटी एसपी ने बताया कि ईद को लेकर जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की ओर से जिले के सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। एसएसपी बाबूराम के मुताबिक ईद के दौरान अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस विशेष नजर रखेगी। वहीं फ्लैग मार्च नाथनगर, हाबीपुर, मुजाहिदपुर, तातारपुर, कोतवाली और शाकचक होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरा। सिटी एसपी सोनू प्रभात ने बताया कि ईद पर एसएसपी की एक कंपनी मिली है। फ्लैग मार्च में सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार समेत कई थाना के एसएचओ मौजूद थे। गया के विष्णुपद थाना क्षेत्र से छेड़खानी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि शॉपिंग कर घर लौटने के क्रम में इस तरह की घटना हुई, जिसको लेकर पीड़ित युवतियों के द्वारा विष्णुपद थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं छेड़खानी के शिकार युवतियों का आरोप है कि शहर में शॉपिंग कर अपने घर लौटने के क्रम में ही 4 की संख्या में युवकों ने उनके साथ छेड़खानी की। साथ ही कहा कि जब युवतियों ने इसका विरोध कर थाने में जाने की बात कही तो बदमाशों ने उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इधर विष्णुपद थाने के थानाध्यक्ष ने बताया कि विमल, छोटू, अंशु, अंतु नामक युवक ने मॉल से शॉपिंग कर लौट रही 4 युवतियों के साथ छेड़खानी की है, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस छानबीन में जुट गई है। छेड़खानी से संबंधित आवेदन पड़ा है तो इसका जांच किया जाएगा। जांच के बाद कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।
कक्षा नहीं है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रदर्शनकारियों का अड्डा बनता जा रहा है। प्रत्येक दिन कोई न कोई धरना प्रदर्शन यहां देखने को मिल जाता है। बता दें कि सोमवार को कुछ छात्रों ने प्रशासनिक भवन के सामने जोरदार हंगामा किया। वही हंगामा कर रहे छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति नहीं होने के चलते विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर काफी नीचे गिर चुका है और इसमें सुधार के लिए बदलाव की जरूरत है। विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति के नहीं रहने से डिग्री के 6000 सर्टिफिकेट कई महीनों से पड़े हुए हैं और इस पर हस्ताक्षर नहीं हो पा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं को रोजी रोजगार में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कहा कि दीक्षांत समारोह के नाम पर छात्र छात्राओं से जो पैसे लिए गए हैं उसे भी वापस किया जाए, जबकि केंद्र सरकार के आदेश अनुसार कोरोना काल के दौरान तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्ण रूप से बंद छात्रावास का शुल्क भी माफी की तर्ज पर सत्र 2018-20 के अनुपस्थित छात्र को 8 महीने का मुआवजा दिया जाए। बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रोविसी रजिस्ट्रार DSW और परीक्षा नियंत्रक से मिलकर प्रतिलिपि सौंपा। साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज कर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को बंधक भी बनाया जाएगा। आज हम लोग परसों जो विश्वविद्यालय बंद करके हम लोग 2-3 घंटा बैठे थे, कोई पदाधिकारी से हम लोग को कोई सुनवाई नहीं मिला। आज वही फिर हम लोग कर्मचारी सबको बाहर करवा के पूरे आगे कार्यक्रम, जब तक हम लोग का हॉस्टल शुल्क माफ नहीं होगा कार्यक्रम चालू है। आज तक के इतिहास में ऐसा निकम्मा कुलपति कोई नहीं आया था। विश्वविद्यालय में छात्र परेशान है, कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग अस्थायी कुलपति चाहते हैं कोई आए और विश्वविद्यालय सही से चले। और देखिए हम लोग का तमाम मांग है, तमाम समस्याएं हैं। सबसे पहला समस्या है कि कोरोना काल में हॉस्टल को बंद किया गया था। जब हॉस्टल बंद था तो हॉस्टल शुल्क माफ होना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय की ओर से आधिकारिक रूप से बंद किया गया था और कोई छात्र रहा नहीं हॉस्टल में, तो हॉस्टल शुल्क माफ होना चाहिए। अभी छात्रों का नोट यूज हो रहा है। दूसरी समस्या है कि हम लोग के विश्वविद्यालय में 6000 के लगभग डिग्री बन के तैयार है, कुलपति महोदय आएंगे तो उस पर साइन करेंगे, कुलपति नहीं आ रहे हैं। तीसरी समस्या है कि दीक्षांत समारोह के में पोशाक के राशि के नाम पे अधिक पैसे लिया गया है, वो राशि छात्रों को वापस हो, क्योंकि जो अधिक राशि ली गई है वो समायोजन करने की बात है, वहाँ का वापस करने की बात है। भागलपुर जिला विधिक संघ चुनाव के बाद भी DVA में हंगामा और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को DVA चुनाव की मतगणना के दौरान महासचिव पद के लिए हुई गिनती एक बार फिर से विवादों से घिर गई है, जिसके बाद DVA परिसर और काउंटिंग हॉल में अधिवक्ताओं ने रीएलेक्शन की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। जबकि महासचिव पद पर विजयी प्रत्याशी के समर्थक अधिवक्ताओं ने विमल कुमार विमल की जीत को आम अधिवक्ताओं की जीत बताते हुए रीएलेक्शन का विरोध किया। इस दौरान निर्वाचित पदाधिकारी विनोद कुमार यादव की देखरेख में संपन्न हुए मतदान के बाद रविवार को अध्यक्ष पद के लिए हुई काउंटिंग में जयकरण गुप्ता को विजयी घोषित किया, जबकि सोमवार को महासचिव पद के लिए हुई मतगणना के दौरान एक बार फिर से विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके बाद रिकाउंटिंग कराई गई, जिसमें पहले से बढ़त बनाने वाले मृत्युंजय कुमार की जगह विमल कुमार विमल 7 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया। वहीं इसके बाद एक और जहां विजयी प्रत्याशी के समर्थकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी, वहीं दूसरी ओर दूसरे पक्ष के अधिवक्ता ने इस काउंटिंग पर सवाल खड़े करते हुए काउंटिंग में धांधली करने का आरोप लगाया और काउंटिंग बंद कराने के साथ महासचिव पद के लिए दोबारा चुनाव कराने की मांग की। बता दें कि शनिवार को लंबे समय के बाद DVA का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ था, जिसमें अध्यक्ष महासचिव और कोषाध्यक्ष समेत 21 पदों के लिए 75 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटी में बंद कर दिया गया था। लेकिन काउंटिंग के दौरान हुए विवाद से एक बार फिर से DVA चर्चा का केंद्र बन गया है। हालांकि अब देखना यह है कि अंतिम तौर पर RO क्या फैसला लेते हैं और कैसे मतगणना संपन्न कराई जाती है। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। ईद के अवसर पर मैं डॉक्टर DP सिंह सभी मुस्लिम भाइयों को ईद का मुबारकबाद देता हूँ। ईद के इस पर्व को आपसे प्यार, भाईचारे और सौहार्द से मनाएं। लेकिन कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, मास्क लगाएं और खुशियां मनाएं।
ईद के ये शुभ अवसर पर हेलमेट्स परिवार की ओर से पूरे देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन और मैं बहुत सारी ढेर सारी बधाई देता हूँ। और ये ईद का त्यौहार हम लोग मिलजुल कर बहुत बड़े प्यार से मनाएंगे। पूरे देश को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये त्यौहार हम हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक साथ आपस में मिल करके त्यौहार को मनाएं और इस त्यौहार को मनाने में कोविड के प्रोटोकॉल का ध्यान में रखा जाए। 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, मास्क अनिवार्य है, कोविड के सारे नियमों को हम लोग पालन करते हुए ईद का त्यौहार बहुत ही प्यार से मनाएंगे। हमारे अम्मा जी सेवा केंद्र की ओर से पूरे संपूर्ण देशवासियों को सबसे पहले हृदय से ईद की शुभकामनाएं और अपनी संस्था की ओर से ये कहना चाहूँगा सभी आपसी विदेशियों को भुलाकर खूब मन से ढंग से ईद का त्यौहार मनाएं और आपसी भाईचारे का संदेश दें। ईद के अवसर पर सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 7 की जनता का और इमामपुर पंचायत और समस्त देशवासियों को ईद की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही ईद हमारा एक सौहार्दपूर्ण आपसी भाईचारे का प्रतीक है और ईद में हम लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और आपस में मोहब्बत और इखलाक और सुलूक को हम लोग पेश करते हैं। क्योंकि 2 साल कोरोना में हम लोगों ने ईद सही से मनाया नहीं और 2 साल के बाद ईद फिर से आया है लौट कर, ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, एहसान है हम लोगों पर। ईद के अवसर पर मैं बालकृष्ण पद्दर बेफी संगठन की ओर से सभी मुस्लिम भाई को बधाई देता हूँ। साथ ही काम अपील करता हूँ कि इस त्यौहार को शांति और सौहार्दपूर्ण से मनाएं। धन्यवाद। पर मैं विजय कुमार यादव सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आपसी भाईचारे और आपसी सौहार्दपूर्ण रूप से सभी भाई मिलकर इस ईद के पर्व को मनाएं और आपसी भाईचारे को सदा बरकरार रखें। जैसे कि हम शुरू से ही भागलपुर वासी इस ईद को राम रहीम की तरह मनाते आए हैं, उस तरह हम लोग अभी भी मनाएं। और लगातार 2 साल कोरोना की वजह से हम लोग ईद नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस साल अपना खुशी खुशी सभी साथ मिलकर ईद को मनाएं। मैं शहबाज खां वार्ड संख्या 26 नूरपुर बड़ी खंजरपुर की ओर से पूरे भागलपुर शहर वासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। मैं डॉक्टर आफताब आलम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौरैया की ओर से समस्त धौरैया वासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं दीन बंधु दीनानाथ मुखिया कुर्मा पंचायत धौरैया बांका की ओर से समस्त धौरैया वासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मोहम्मद वाजिद अंसारी समाज सेवी एवं अध्यक्ष ग्लोकल ब्लड सेंटर भागलपुर एवं विकासशील सेवा संस्थान ब्लड सेंटर गोड्डा की ओर से समस्त देशवासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर दीपक कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौरैया की ओर से समस्त धौरैया वासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं गिरीश पासवान जिला महासचिव कांग्रेस बांका की ओर से समस्त बांका वासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके नज़दीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
भागलपुर नगर निगम प्रशासन की ओर से शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाने के लिए स्थल का चयन किया गया। इसको लेकर सोमवार को नगर निगम परिसर में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए स्थल का चयन कर प्रतीक रूप में बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान महापौर सीमा शाह, उप महापौर राजेश वर्मा, भाजपा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर जल्द ही नगर निगम परिसर में औपचारिक रूप से प्रतिमा स्थापित करने की बात कही। वहीं इस दौरान नगर प्रबंधक रवीश कुमार वर्मा समेत नगर निगम परिवार के लोगों ने भी बाबा साहब की प्रतिमा निगम परिसर में स्थापित करने के निर्णय का स्वागत करते हुए मेयर, डिप्टी मेयर और पूर्व पार्षद को माला पहनाकर बधाई दी। वहीं इसको लेकर उप महापौर राजेश वर्मा ने कहा कि काफी दिनों से शहर के विभिन्न स्थानों पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाने की मांग की जा रही थी, जिसके तहत नगर निगम में डॉक्टर अंबेडकर समेत भागलपुर वैरायटी चौक पर अग्रेशन महाराज और खलीफाबाद चौक पर दानवीर भामा शाह की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विधिवत रूप से मंगलवार को भूमि पूजन किया जाएगा। इधर भाजपा नेता संतोष कुमार ने कहा कि शहर के सभी चौक चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित कर विशेष पहचान देने का कार्य किया जा रहा है, जिससे वर्तमान के साथ भावी पीढ़ी भी अपने इतिहास और महापुरुषों के महत्व एवं योगदान को जान सकेगी। अपने तरफ से मैं क्या बोला आपको कि सबके आस्था का हम लोग सम्मान करते हैं और हमारा यही प्रयास है कि एक एक करके हम लोग चौक चौराहे का सौंदर्यीकरण भी हो और उस चौक को एक नाम से जाना जाए कि भैया वो रानी लक्ष्मीबाई चौक, अग्रेशन भवन, आज यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो ये बाबा साहब भीमराव का यहाँ स्थापित करने के पीछे का वजह एकदम स्पष्ट कि भागलपुर नगर निगम में वो समाज सबसे ज़्यादा अग्रणी भूमिका अदा करता है जिसको कहीं ना कहीं लोग इग्नोर करके चलते हैं। माननीय महापौर, उप महापौर के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम जो है वैरायटी चौक पर महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा लगाने का निर्णय हुआ है, उस स्थान को चिन्हित किया गया। उसके बाद खलीफा भाग चौक पर कुछ कारण है भामा साहब, दानवीर भामा साहब जयंती के लिए और इस स्थल पर जहां अभी हम लोग खड़े हैं वहां बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का स्थान चिन्हित किया गया है। कल 4 बजे अक्षय तृतीया है, कल भूमि पूजन किया जाएगा तीनों जगह पर और भूमि पूजन के उपरांत आने वाले समय में, निकट समय में ही यहाँ तीनों जगह पर आपको एक भव्य प्रतिमा, मानव कद की प्रतिमा दिखेगी और भागलपुर का एक इतिहास बदलेगा। ईद को लेकर ललमटिया ओपी अध्यक्ष मिथिलेश कुमार की अध्यक्षता में ललमटिया ओपी परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान थानाध्यक्ष ने त्यौहार को शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील लोगों से करते हुए कहा कि सभी को आपसे सूझबूझ से इलाके में शांति बनाए रखना है और इसके लिए पुलिस भी लगातार हर स्थिति पर अपनी नज़र बनाई हुई है। वहीं लोगों ने भी अपने अपने इलाकों में शांति व्यवस्था बहाल रखने का भरोसा पुलिस को दिया। बता दें कि 3 मई को कनगढ़ स्थित ईदगाह मैदान में ईद की नमाज अदा की जाएगी, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। भागलपुर सुल्तानगंज अगपानी पुल स्ट्रक्चर ध्वस्त होने के मामले में बांका सांसद गिरधारी यादव का बयान तूल पकड़ने लगा है। दरअसल मजदूर दिवस के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुल्तानगंज इकाई के छात्र नेता सन्नी चौधरी ने बांका सांसद गिरधारी यादव द्वारा अगवानी पुल क्षतिग्रस्त होने पर निरीक्षण के दौरान दिए गए बयान को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सन्नी चौधरी ने कहा कि सांसद गिरधारी यादव ने अपने बयान में कहा है कि बिहार में लेबर छोड़कर कुछ भी नहीं है, जबकि चुनाव में उसी जनता ने उन्हें भी चुना है। उन्होंने कहा कि सांसद का कहना है कि जो कंपनी चुनकर लाए हैं उसी को पुल का ठेका दे दिया जाएगा और बिहार सरकार ने मजबूरी में एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन को 1711 करोड़ का ठेका दे दिया है। एबीवीपी नेता ने कहा कि सांसद का बयान भड़काने वाला है और ऐसे बयान से पूरे बिहार की जनता गुस्से में है। साथ ही कहा कि जिस सांसद को बिहार के बारे में पता नहीं है कि यहाँ कितना कुछ है और यहाँ के लोग देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, वैसे सांसद को जनता समय पर सबक सिखाएगी। जो काम करेगा ना गलती होते रहता है। अच्छा कहाँ से कंपनी खोज लीजिएगा, हमारा आपका कंपनी है, बिहार में कौन कंपनी जो पुल बना देगा उसका नाम बोले तो उसी को हम लोग करवा देंगे। वो है कंपनी बिहार में, कोई बाहर का कंपनी बनेगा? बिहार में तो लेबर छोड़ के कुछ है ही नहीं है, तो क्या करिएगा? जांच होना, हम तो जांच तो एकदम होगा, नहीं होने कहाँ सवाल है। जांच होगा और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई भी होगी, ऐसी बात थोड़ी है। गिरधारी यादव जो हमारे बांका संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, वो कल हमारे अगवानी सेतु जो कि हमारे उत्तर से दक्षिण दिशा को जोड़ने वाली एक महाभारत सबसे बड़ा पुल बन रहा है, उस पर हमारे गिरधारी सांसद
ने मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछे गए सवालों पर कहा कि बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में सिर्फ और सिर्फ लेबर है। और उन्होंने कहा कि बिहार में छोटी मोटी काम इसी तरह होती रहती है और इसी तरह गड़बड़ी होती रहती है। तो उनके साफ जाहिर हो रहा है कि पुल में जो करोड़ों का नुकसान हुआ उस पर कोई जांच नहीं होगी। इनसे यह साफ जाहिर हो रहा है कि कोई भी जांच नहीं होगी। और गिरधारी यादव के भड़काऊ बयान से पूरे शहर नहीं पूरे बिहार की लोगों के दिल पर ठेस पहुंची है कि सिर्फ बिहार में लेबर के सिवा कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा कि जबकि बिहार ने भारत देश को नहीं बिहार के हर राज्य के कोने में बिहार ने अपनी पहचान बनाई है। दुआओं की कबूलियत का पाक माह रमजान चल रहा है, जिसको लेकर विभिन्न समुदाय के लोग इफ्तार पार्टी का आयोजन कर आपसी सौहार्द और प्रेम का संदेश दे रहे हैं। इसको लेकर चंपा नगर स्थित चंपा पुल के समीप सामूहिक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों रोजेदार शामिल हुए। इफ्तार पार्टी युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव की सरपरस्ती में आयोजित किया गया। वहीं इफ्तार के बाद मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की गई। इफ्तार पार्टी में शहर के नामचीन लोगों के साथ काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। विजय कुमार यादव ने सामूहिक इफ्तार पार्टी को आपसी सौहार्द का बेहतरीन नमूना बताते हुए कहा कि एक साथ सैकड़ों लोगों का इफ्तार करना वक्त की जरूरत है। उन्होंने देश में खुशहाली सलामती और शांति की दुआ मांगी, साथ ही लोगों से भाईचारा के साथ रहने की अपील की। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने एक दूसरे को ईद की अग्रिम बधाई दी। इस अवसर पर मिराजी अंबार इमाम तुल हाफिज सिकंदर अंसारी नौशाद रजा समेत कई हिंदू और मुस्लिम भाई मौजूद रहे। जी आज का जो है ये इफ्तार पार्टी रखा गया था, ये हाजी मुरादुद्दीन साहब के यहाँ पे रखा गया था, मुरादुद्दीन के यहाँ पे। और जो भी यहाँ पे थे टोटल हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों ने मिलकर यहाँ पे एक साथ जो है इफ्तार पार्टी का आनंद लिया और एक साथ रह के ये हम लोग जो भी त्यौहार यहाँ मनाते हैं, हमारे भागलपुर का ये रीति रिवाज है, जो भी त्यौहार मनाते हैं दोनों भाई चाहे हिंदू रहे मुस्लिम रहे दोनों भाई मिल के मनाते हैं। होली भी दोनों मिल के मनाते हैं, ईद भी दोनों मिल के मनाते हैं। यहाँ राम रहीम का कहानी रियल में देखा जाता है, यहाँ सच्चाई है राम रहीम का, किस तरह से हम लोग मिलजुल के रहते हैं और मिलजुल के हर त्यौहार मनाते हैं। लगभग यहाँ पे सैकड़ों लोग थे इफ्तार पार्टी में शरीक हुआ है और हमारे यहाँ नाथनगर चंपा नगर के जितने भी मुस्लिम भाई हिंदू भाई थे सभी लोग यहाँ पे शरीक हुए। बांका जिले से उत्पाद विभाग में तैनात चौकीदार के सीने में गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल बांका के बाराहार थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ोना नहर के समीप उत्पाद विभाग में कार्यरत चौकीदार रंजीत प्रसाद सिंह की बाइक समेत शव बरामद हुआ है। घटना को लेकर आशंका जताई जा रही है कि चौकीदार रंजीत प्रसाद सिंह स्क्वाड टीम के साथ बीती देर शाम छापेमारी कर अपनी बाइक से घर जा रहा था, तभी अपराधियों ने उसके सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं बाराहाट पुलिस को नहर के समय बाइक के साथ एक शव पड़े होने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां शव की पहचान उत्पाद विभाग के चौकीदार के रूप में हुई। इसके बाद बाराहाट पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि मृतक चौकीदार ने बीते शाम छापेमारी अभियान में शामिल होने के बाद सरकारी बाइक जमा कर निकलने की बात कही थी। बता दें कि मृतक चौकीदार रंजीत प्रसाद सिंह भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर देशी का रहने वाला था। गैस प्लांट के पश्चिम की ओर सर 100 गज पश्चिम साइड में था सर, रोड के किनारे नर का तेल। मतलब क्या आपको जानकारी है? जानकारी मिला सर, आते जाते लोग बोला सर कि एक लहास यहाँ पड़ा हुआ है, तो हम सर थाना फोन किए सर, वहाँ से आए तो देखते हैं कि इसका मृत्यु हुआ है सर, नहर में गिरा हुआ था। अच्छा। और मोटरसाइकिल जो है ऊपर में था, ये लहास जो है नीचे में था। बांका के धौरैया पुंसिया मुख्य मार्ग पर कदमा मोड़ के समीप शनिवार की देर शाम सरकारी बस के धक्के से एक बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक की पहचान धौरैया प्रखंड के रामपुर गांव निवासी राजू शाह के 22 वर्षीय पुत्र शुभम कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटना को लेकर मृतक के पिता राजू शाह ने बताया कि शुभम बाइक से धौरैया पुंसिया की ओर जा रहा था, तभी कदमा मोड़ के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार सरकारी बस ने सामने से धक्का मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही कहा कि इसके बाद शुभम को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए धौरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौरैया पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया गया। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की खबर। चांद का दीदार होते ही बाजारों में उमड़ी भीड़, मंगलवार को मनाया जाएगा ईद उल फित्र। भागलपुर में ईद को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।
शॉपिंग के लिए बाजार गई चार युवतियों के साथ मंचलों ने की छेड़खानी, मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। छात्रावास शुल्क को लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय में जमकर किया हंगामा, प्रशासनिक भवन का कार्य हुआ बाधित। और जयकरण गुप्ता बने टीवीए के नए अध्यक्ष, महासचिव पद की काउंटिंग पर हुए विवाद के बाद विपक्षी गुट के अधिवक्ताओं ने की रीइलेक्शन की मांग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।